हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस ऑफ सुभाष इंग्लिश स्कूल, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 9, लेसन 2, द मैजिक पॉरिज पॉट, एक जादुई बर्तन। स्टूडेंट, दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल टारा एंड हर मदर। वन डे वन ओल्ड वुमन गेव टारा अ मैजिक पॉट इन अ फॉरेस्ट। द ओल्ड वुमन टोल्ड हर दैट द पॉट विल कुक पॉरिज व्हेन यू से कुक पॉट कुक and stop making them when you say stop pot stop. Tara take the dead pot to her home. One day Tara was not at home. Her mother was hungry. She said cook pot cook and porridge started coming out of the pot. Student, ये जो कहानी है एक लड़की की है जिसका नाम था तारा। वो बहुत ही गरीब थी और उसकी माँ के साथ रहती थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने उसे देखा और उसे एक जादुई बर्तन दिया। उसे कहा कि यह एक बर्तन है, जादुई बर्तन है। अगर तुम उससे कहोगे कि तुम कुक करो, कुक पॉट कुक, तो इसमें अपने आप ही पॉरिज, पॉरिज को हम लापसी भी कहते हैं, दलिया भी कहते हैं, वह लापसी पकाएगा। और जब तुम कहोगे स्टॉप पॉट स्टॉप, तब वह रुक जाएगा। एक दिन ऐसा हुआ कि तारा घर पे नहीं थी और उसकी मम्मी को बहुत भूख लगी थी, तो उसने जो है पॉट से कहा कुक पॉट कुक, तो उसने दलिया पकाना शुरू कर दिया। पर उसको स्टॉप का कहना था, वो उसकी मम्मी भूल गई। आगे कहानी में क्या हुआ, आइए हम पढ़ते हैं। वंस देयर वाज अ लिटिल गर्ल नेम्ड तारा। एक बार की बात है, एक छोटी लड़की थी जिसका नाम था तारा। शी लिव्ड विथ हर मदर। दे वेर वेरी पुअर। वह अपनी मम्मी के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। वन डे शी वेंट टू अ फॉरेस्ट। एक दिन वह एक जंगल गई। देयर शी मेट एन ओल्ड वुमन। वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिली। द ओल्ड वुमन गेव हर अ पॉट। उस औरत ने उसको एक जादुई बर्तन दिया। शी सेड दिस इज अ मैजिक पॉट। उसने कहा कि यह बर्तन जो है वह जादुई है। इट विल कुक अ पॉरिज फॉर यू व्हेन यू से कुक पॉट कुक। अगर तुम इसे जब कहोगे कि पकाओ, तो यह जो है पॉरिज यानी जो दलिया है पकाना शुरू कर देगा। इट विल स्टॉप मेकिंग पॉरिज व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप। और जब तुम इसे स्टॉप पॉट स्टॉप कहोगे, तब ये दलिया बनाना बंद कर देगा। तारा वाज वेरी हैप्पी। जब तारा को यह पॉट मिला तो वह बहुत खुश हुई। शी रैन टू हर मदर एंड से मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट। जैसा अभी स्टोरी में कहा गया है कि वो लोग बहुत गरीब थे, तो जब तारा को यह पॉट मिला तो वह भागकर अपनी मम्मी के पास गई और उनसे कहा कि मम्मी, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि मैं एक जादुई बर्तन लाई हूँ। तारा सेड टू द पॉट कुक पॉट कुक एंड द पॉट कुक्ड पॉरिज। और फिर तारा ने उस पॉट से कहा कुक पॉट कुक और उसने वह दलिया पकाना शुरू कर दिया। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी एंड दे बोथ एट पॉरिज। जब उन्हें उसकी मम्मी ने देखा तो उसकी मम्मी भी बहुत खुश हुई और फिर दोनों ने मिलकर वह पॉरिज यानी दलिया खाया। वन डे व्हेन तारा हैड गॉन आउट हर मदर फेल्ट हंग्री। एक दिन ऐसा हुआ कि तारा बाहर गई हुई थी और उसकी मम्मी को बहुत भूख लगी। शी सेड टू द पॉट कुक पॉट कुक और उसने उस बर्तन से कहा कुक पॉट कुक और द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरिज और उस पॉट ने जो है दलिया पकाना शुरू कर दिया। आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सेड डू नॉट कुक पॉट बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग। खाने के बाद उसने कहा डू नॉट कुक पॉट, पर जो पॉट जो था वह पकाना बंद नहीं हुआ। हमें कहानी में पहले ही एक लाइन बताई गई थी, उसने बूढ़ी औरत ने क्या कहा था कि उसे कहना चाहिए था स्टॉप पॉट स्टॉप, पर उसकी मदर ये लाइन भूल गई। उसने कहा डू नॉट कुक पॉट, आगे मत पकाओ, पर जो था वो पॉट जादुई था, उसको ये पता ही था, तो उसने तो पकाना जारी रखा। सून द पॉरिज स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर। फिर जो था पॉरिज जो था दलिया वह फैल गया क्योंकि उस बर्तन में वह बनते ही जा रहा था, तो वो नीचे आके फ्लोर पे यानी जमीन पे फैल गया। मदर कॉल्ड आउट अगेन वेट डू नॉट कुक एनी मोर। फिर उसकी मम्मी ने फिर से कहा कि रुको, अब ज्यादा मत पकाओ। बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप, पर जो था वह बर्तन नहीं रुका क्योंकि उस बर्तन में जो दलिया था वह बनता ही जा रहा था, और क्योंकि वह बनता जा रहा था तो वह नीचे जमीन पे गिरता हुआ फैलता गया।
मदर रेन आउट ऑफ द हाउस एंड द पॉरिज फॉलोड हर। फिर जो था उसकी मम्मी जो थी घर से बाहर आ गई, पर जो था वह दलिया जो था उनको फॉलो करता गया, मतलब उनके पीछे पीछे आता ही गया। सुन देर वाज पॉरिज एवरीवेयर, तो क्या हो गया कि वो जो दलिया था वह एवरीवेयर मतलब सब जगह बिखर गया। द होल विलेज सॉ इट, सभी गांव वालों ने देखा उसको। दे रेन टू ईट द पॉरिज, क्योंकि वह गांव था वो सब गरीब थे, तो उन्होंने जैसे ही वह पॉरिज देखी तो सभी गांव वाले उस पॉरिज को खाने आ गए। When Tara came back, she saw that the road was full of porridge. जब तारा वहाँ पर आई तो उसने देखा कि वो जो दलिया था पूरे रास्ते में फैला हुआ था। She ran home as fast as she could. फिर वो जल्दी से अपने घर पहुँची। She heard her mother shout, "Tara, the pot is cooking and it will not stop." उसने देखा उसकी मम्मी ने उसे कहा कि तारा ये जो बर्तन है ये तो पकाते ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। तारा ने कहा, तारा कॉल्ड आउट, स्टॉप पॉट स्टॉप एंड इट स्टॉप्ड कुकिंग पॉरिज। फिर तारा को तो पता था कि उसे क्या कहना है। तारा ने उसे कहा स्टॉप पॉट स्टॉप, और उसके कहते ही वह जो था पॉरिज जो दलिया जो था वह पकना बंद हो गया। स्टूडेंट अभी हमने ये स्टोरी रीड की है, अब हम इसके वर्कशीट सॉल्व करते हैं। यूनिट 9 लेसन 2 द मैजिक पॉरिज पॉट। क्वेश्चन 1 है राइट द मीनिंग ऑफ, यहाँ हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं हमें इनके मीनिंग लिखने हैं। वर्ड प्रोनाउंस हिंदी मीनिंग, फर्स्ट वर्ड है मैजिक, MAGIC मैजिक, मैजिक का मतलब होता है जादू। नेक्स्ट है कुक, COOK कुक, कुक का मतलब होता है पकाना। नेक्स्ट है पॉरिज, PORRIDGE पॉरिज, पॉरिज का मतलब होता है दलिया। नेक्स्ट है स्पिलिंग, SPILLING स्पिलिंग, स्पिलिंग का मतलब होता है फैलना या बहना। नेक्स्ट वर्ड है होल, WHOLE होल, होल का मतलब होता है सारा या सब। नेक्स्ट है विलेज, VILLAGE विलेज, विलेज का मतलब होता है गांव। नेक्स्ट वर्ड है पॉट, POT पॉट, पॉट का मतलब होता है बर्तन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक 3 वर्ड्स विद गिवन लेटर्स, हमें यहाँ कुछ लेटर्स दिए गए हैं, हमें कहा गया है कि हमें उनसे 3 वर्ड्स बनाने हैं। कौन कौन से लेटर्स दिए गए हैं, KPJTN फर्स्ट लेटर है के, कैसे हम 3 वर्ड्स बनाएंगे, KITE काइट, KEY की, KING की। नेक्स्ट लेटर है पी, PEN पेन, PEON प्यून, PARROT पैरोट। नेक्स्ट लेटर है जे, JAR जार, JUG जग, JACKAL जैकल। नेक्स्ट लेटर है टी, TOY टॉय, TIME टाइम, TIGER टाइगर। नेक्स्ट लेटर है एम, MAN मैन, MAT मैट, MONKEY मंकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट आंसर, हमें यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें चूज करना है कि उसका राइट आंसर कौन सा है। फर्स्ट है तारा लिव्ड विथ हर, तारा किसके साथ रहती थी, मदर ग्रैंडफादर ब्रदर, तो स्टोरी में बताया गया था कि तारा उसकी मदर के साथ रहती थी तो हमने मदर पे टिक किया। नेक्स्ट है दी ओल्ड वुमेन गेव हर अ, जो बूढ़ी औरत थी उसने तारा को क्या दिया था, कॉक टॉय पॉट, यहाँ हमने स्टोरी में पढ़ा था कि उन्होंने एक बर्तन दिया था तो यहाँ हम पॉट पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है तारा वाज वेरी डैश, तारा जो थी बहुत सैड थी, हैप्पी थी या एंग्री थी, तो स्टोरी में बताया गया था कि तारा बहुत खुश थी तो हम हैप्पी पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, जो सेंटेंस ट्रू है उसके सामने हम टी लिखेंगे और जो सेंटेंस फॉल्स है उसके सामने हम एफ लिखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है
तारा वाज वेरी रिच, तारा बहुत अमीर थी, बहुत पैसे वाली थी। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसके सामने लिखेंगे फॉल्स एफ। नेक्स्ट है तारा'स मदर फेल्ट हंग्री, तारा की मम्मी को एक दिन भूख लगी थी, ये सच है, तो इसके सामने हमने कहा ट्रू टी। नेक्स्ट है वन डे तारा वेंट टू अ मार्केट, तारा एक दिन बाजार गई थी, तारा तो कहाँ गई थी, जंगल गई थी, तो ये सेंटेंस फॉल्स है, तो इसके सामने हम लिखेंगे एफ। नेक्स्ट है तारा मेट एन ओल्ड वुमन, तारा एक बुरी औरत से मिली थी, ये सेंटेंस भी ट्रू है, तो हमने लिखा इसके सामने टी। नेक्स्ट है दी ओल्ड वुमन गेव तारा अ मैजिक पॉट, उस बुरी औरत ने तारा को एक जादुई बर्तन दिया था, तो ये सेंटेंस भी ट्रू है, तो हमने इसके सामने लिखा टी। नाउ नेक्स्ट शॉर्ट आंसर, आंसर दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड तारा गो वन डे, तारा एक दिन कहाँ गई थी, आंसर लिखेंगे तारा वेंट टू अ फॉरेस्ट, तारा एक दिन जंगल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक, जो जादुई बर्तन था उसमें क्या पकता था, आंसर है द मैजिक पॉट कुक्ड पोरेज, जो जादुई बर्तन था वह पोरेज यानी दलिया पकाता था। नेक्स्ट है व्हाट डिड द ओल्ड वुमन गिव तारा, उस बूढ़ी औरत ने तारा को क्या दिया था, आंसर है द ओल्ड वुमन गिव तारा अ मैजिक पॉट, उस बूढ़ी औरत ने तारा को एक जादुई बर्तन दिया था। नेक्स्ट है हु सेड डू नॉट कुक पॉट, यह लाइन किसने कही थी कि खाना मत पकाओ, आंसर है तारा'स मदर सेड डू नॉट कुक पॉट, यह वाक्य किसने कहा था, तारा ने कहा था। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने जो ये लेसन रीड किया है आपको भी इसे अच्छे से रीड करना है और इसकी वर्कशीट को सॉल्व करना है, अपनी नोट कॉपी में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।